हेलो एवरीवन। सो आज आर आर बी एन टी पी सी 31 जुलाई, जो कि लास्ट डे है इस एग्ज़ाम की, उसका पेपर हो चुका है और उसके मोस्टली जो एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं वो मुझे मिल चुके हैं। आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बाकायदा एनालिसिस के साथ में आज का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था पेपर, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, लाइक बहुत ही आसान क्वेश्चन भी थे। अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो अगर आप 65 से 67 62 से लेके 65 तक एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वेश्चन करके आते हैं, राइट क्वेश्चन करके आते हैं, तो फिर आपने गुड अटेम्प्ट किया, अच्छा अटेम्प्ट किया है। अगर मैं इससे भी बेटर की बात करूं तो 77 70+ जितने बच्चे सही क्वेश्चन करके आए हैं वो एकदम सेफ हैं, बट फिर भी हम इसको लेके चल सकते हैं कि ये गुड अटेम्प्ट है। अब हम देखते हैं कि आज का पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या क्वेश्चंस बने थे। पहली चीज़ तो ये है कि आरआरबी एनटीपीसी का आज लास्ट डे है 31 जुलाई, और इसके बाद में आप सबको पता चल गया होगा कि लगभग 20 अगस्त से ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट होगा। तो ग्रुप डी के भी लगातार क्वेश्चंस हम लगातार एनालिसिस डालते रहेंगे, आप उसके लिए अपडेटेड रहिए। और आपकी क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ में डेली टॉपिक वाइज क्लास भी अपलोड मैं करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ में। तो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। आपको पता है कि इसके पहले भी सिडबी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, राइट, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लाइक इसके पहले भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर हम सिडबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो सबको पता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1990 के अराउंड में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है शिवा एस रमन। क्या नाम है दोस्तों? शिवा एस रमन। तो आप इस तरीके से पढ़िएगा जब भी कोई क्वेश्चन होता है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईजी। देखिए ईईजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये बनता है कि ईईजी होता क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो देखो दोस्तों, ई जो होता है ये ब्रेन टेस्ट होता है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रेन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफी, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफी, और इसका उपयोग हम ब्रेन टेस्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रवित होता है। आप सबको पता है कि इंसुलिन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज, और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर मौजूद होती है बीटा सेल, और बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई ये पैंक्रियाज में एक जगह होती है जिसका नाम होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, मतलब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएं, यहां से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी बीमारी पानी से नहीं होती है? टाइफाइड है, प्लेग है, हैजा है, या फिर डायरिया है? तो देखिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे टाइफाइड, प्लेग, हैजा, डायरिया, तो इनमें डायरिया भी किससे होता है? पानी से होता है। हैजा भी एक तरीके से बीमारी पानी से ही फैलती है ये, लेकिन जो टाइफाइड बीमारी है या फिर जो प्लेग बीमारी है, इनमें मुख्य रूप से अगर देखें तो टाइफाइड बीमारी, ये बीमारी पानी से नहीं होती है। प्लेग 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 बीमारी भी पानी से नहीं होती, सॉरी ये पानी से होती है, लेकिन प्लेग बीमारी जो है ये मच्छर से फैलती है। और अगर हम प्लेग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये जो बीमारी है, ये प्लेग जो बीमारी है आपको पता होना चाहिए, ये मच्छर से फैलती है, मतलब फ्लीज से फैलती है। मच्छर भी नहीं कह सकते बल्कि हम फ्लीज कह सकते हैं, फ्लीज से फैलने वाली बीमारी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के कौन से ब्रिटिश अध्यक्ष नहीं है? तो ये क्वेश्चन एक करंट अफेयर क्या है, लेकिन ये काफी पुराना है, ये 2020 में बने थे, 2020 के अराउंड में पहले अश्वेत मेलबर्न एमसीसी क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने थे, इनका नाम था कुमार संगकारा। ये श्रीलंका क्रिकेट टीम, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उसके जो है वो प्लेयर प्लेयर रहे हैं, तो इसका आंसर बनेगा कुमार संगकारा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? तो सबको पता है कि सोवियत संघ पर बहुत बड़ा देश हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे टूट गया, फिर भी अभी भी बड़ा देश है। तो 1991 में इसका विघटन हुआ है, लेकिन शायद कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसका आंसर भी डिफरेंट था, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट है इस पे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IICUNN। नाउ सबसे पहली चीज तो ये है कि ICUNN ये चीज क्या है,
तो ये एक संगठन है, ये जो संगठन का कार्य क्या होता है, फुल फॉर्म अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, असाइंड नेम एंड नंबर। तो ये पूरे विश्व में जो इंटरनेट वगैरह कॉरपोरेशन के जो जितने भी इंटरनेट से संबंधित कॉरपोरेशन होते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण 1998 में, 1998 में इसका निर्माण हुआ था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स में है, ठीक है भाई मेरे, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत में आती है? तो आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम के अंतर्गत में आती है, काराकोरम दर्रा है, और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है, भारत की सबसे ऊंची ग्लेशियर्स के रूप में भी इसे कह सकते हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्लेशियर्स भी है। तो क्वेश्चन जो पूरा बना था वो ये था कि विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर्स कहाँ पर है, किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत में आती है, तो काराकोरम विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हृदय योजना से बना है, हृदय योजना में आपको पता होना चाहिए कि हृदय योजना क्या है। तो हृदय योजना क्या है कि जितने भी भारत की जो सिटीज थी उन्हें डेवलप करने की योजना थी, राइट, इस योजना इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें। और ये लॉन्च हुई थी 21 जनवरी 2015 में, कब लॉन्च हुई थी, 21 जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुई थी। इसके अकॉर्डिंग इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है आपको कि ये जो योजना है इसमें सिटीज को डेवलप करने का काम करता है, उसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। अब इसी से कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आप वहां पर चेक कर सकते थे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट मुझे नहीं पता भी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, याद रखना दोस्तों। और उज्जैन उज्जैन एक ऐसी नगरी भी है जहां पर कुंभ मेला होता है। आपको पता है कि कुंभ मेला हर सिटी में 12 साल के बाद में होता है और 4-4 साल में सिटी रिवॉल्व करती रहती है। तो उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहां पर कुंभ मेला भी लगता है, ये शिप्रा नदी किनारे पे है, यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है, ठीक है भाई। कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है? इसके ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाए हैं तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि इसमें कौन सा देश ऐसा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जामा मस्जिद का आपको पता होना चाहिए कि जामा मस्जिद का एक बहुत बड़ा प्रांगण है, उसी के अंतर्गत में ये आती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आप सबको पता है कि अकबर के द्वारा कराया गया था, जब अकबर गुजरात से विजय करके आया था तो उसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया और यहीं पर राजधानी बनाई थी इसको। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा भी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बुलंद दरवाजा भी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में भी है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जामा मस्जिद का हिस्सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि पचली सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये मुगल कालीन जो आर्किटेक्चर उसका सबसे बढ़िया एक तरीके से नमूना है और ये इसी के अंतर्गत भी आता है। इनमें से कौन सा मोबाइल एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पड़ पाया, लेकिन जहां तक बच्चे ने लॉलीपॉप बताया तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि ये मोबाइल एंड्रॉइडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन कब हुआ, ठीक है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में, 1942 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सबको पता है इसको लेके। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन अभी तक मुझे मिल पाए हैं जो कि एग्जैक्टली सही क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने बताए हैं अलग अलग तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अनएकेडमी पे आज के डाउट फीचर आ चुका है जिसमें आप अपनी क्वेरी को, किसी भी डाउट को इंस्टेंट सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी यूनिक हुई तो एजुकेटर आपसे खुद ही डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपसे आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगा। क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सोल्यूशन इसका मिलेगा। अनएकेडमी के जो प्राइजेज हैं वो इसमें रेज हो चुके हैं, आज 28 जुलाई में इसके प्राइजेज रेज हो चुके हैं, जल्दी आपको अपडेटेड प्राइज मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर आप अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनएकेडमी के ऐप पे जाके आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फ्री में लेने के लिए आप अनएकेडमी के कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कॉम्बैट हर संडे को 12 बजे होता है जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट का टाइम मिलता है, फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉइड पर, मतलब आपको ऐप पर इसमें टेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को समझ में आ सके। और 1 करोड़ की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं जिसमें एंड्रॉइड का आईपॉड भी आ जाता है, आईपॉड मिलेगा आपको। इसके अलावा घड़ी मिल सकती है, एप्पल की वॉच मिल सकती है, जेबीएल के स्पीकर मिल सकते हैं, तो बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। आप मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड क्या है? कोड है योगेंद्र अपडेटेड। आज नई फीस अपडेट हो चुकी है जो कि फीस डिक्रीज हुई है,
सो मेक श्योर कि नई डिक्रीज प्राइस को आप तुरंत के तुरंत अवेल कर सकते हैं मेरे कोड से, कोड क्या है योगेन। आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, देखते रहिए और बने रहिए, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पर।